हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और जल्दी से रेडी होती हूँ और रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए जाती हूँ। वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा बुआ का बेटा, तो उन लोगों को मैंने राखी भेज दी है और राखी का गिफ्ट भी मुझे मिलने वाला है। और जल्दी से चलिए रेडी होके जाते हैं राखी बांधने। राखी मतलब मैं तो नहीं बांधूंगी, रवि जी बांध देंगे। चलिए लेट्स सी, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे, एक्साइटिंग वीडियो बनेंगे आज का, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। ओके, तो देख सकते हैं गाइस, सावन का लास्ट दिन पूर्णिमा है, तो यहाँ पे रुद्राक्ष पूजा हो रही है जिसमें पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और यहाँ पे भैया भाभी और समायरा पूजा में बैठे हुए हैं, जो कि ये पूजा 2 से 2.5 घंटे चलने वाली है। तो देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा से यहाँ पे पूजा का तैयारी हो चुका है, पूजा हो रही है। तो देखते रहे गाइस, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो आगे इसी तरह पूजा चलते रहेगी। तो ये रुद्र पूजा है जो अभिषेक होता है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो राखी से पहले पूर्णिमा है, तो ये पूजा करवाई जा रही है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैडम बैठी है, जाली का पैकेट लेके जाली खा रही है, और पीछे समायरा मैडम क्या कर रहे हैं, बिस्किट खा रही है। सनाया कौन आ रहा है। ए गाइस, ये जनाब बैठे हुए वेट कर रहे हैं किस चीज का, और ये सनाया मैडम किस चीज का वेट कर रहे हैं। मैडम मेरा भाई का। कौन भाई है। और आपको कौन राखी बांधेगा। बांधेगा जो बांधेगा उसको जली मिलेगा। हाँ ठीक है गाइस, एंटरटेन कर रहे हैं अपना। तो देख सकते हैं गाइस, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो समयरा सबसे पहले लीशु को राखी बांधेगी, क्योंकि समयरा ने लीशु को भाई बनाया। तो देखते रहिए गाइस, ये प्यारा सा क्यूट सा राखी वाला ब्लॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो देख सकते हैं कितने प्यार से इसने टीका लगाया, चावल रोली टीका लगाया, फिर यह क्यूट सी कार्टून वाली राखी इसने बांध रही है, फिर इसके बाद मिठाई खिलाइए। तो देखते रहिए गाइस, तो फिर अब मिठाई खिलाने की बारी आ गई है, तो अब समारा मिठाई खिलाइए। अब इसको चाहिए गिफ्ट, तो गिफ्ट के लिए वो पहले कैरियर में देखिए क्या है, फिर लीशु की मम्मा ने इसे लीशु को गिफ्ट दिया, तो फिर इसने चॉकलेट था तो उसने सामान ले लिया, फिर लीशु ने समारा का पैर छुआ, तो ये बहुत प्यारा सा क्यूट लग रहा है। फिर अब समारा पापा और चाचू को राखी बांधने के लिए बुआ ने राखी भेजी है, तो बहुत क्यूट है। तो समायरा पापा और चाचू को राखी बांध रही है, तो पहले सबसे पहले अपने पापा को बांध रही, जो कि भैया की बारी आती है। तो देख सकते हो कितना प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग लग रहा है, राखी वाला व्लॉग। फिर आती है नेक्स्ट चाचू की बारी, तो देख सकते हो कितना प्यार से उसने टीका लगाया, फिर चावल, फिर उसके बाद आरती उतारेगी, फिर उसके बाद आरती उतार रही है, फिर उसके बाद और राखी बनाने की बारी आ रही है, तो क्यूट सा राखी बनाएगी जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये राखी ब्रेसलेट वाली है, तो ये खोल नहीं पा रही, तो फिर भाभी यहाँ पर हेल्प कर रही है,
और ब्रेसलेट का हुक खोलने में तो ये खुल नहीं रहा है, तो फिर इसे हटा के फिर से हुक खोला जाएगा इसका। फिर समारा इसको राखी को बांध देती है, बांध देगी फिर ये इसी तरह अच्छा ये रक्षाबंधन का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। फिर समारा मैडम को चाहिए था प्रेजेंट, तो फिर चाची ने दिया तो का सर्वेशन किंडर जाने पास है, ये देखे काफ़ी खुश हो गई है। फिर उसके बाद आता है ये समय, तो हाँ लंच लग चुका है जो कि पूरी छोले और खीर है। तो देख सकते हो दिखने में काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ रवि जी बैठे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर यहाँ सनाया मैडम पूड़ी खा रही है मुंह से, क्योंकि उससे बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो गाइस आज का रक्षाबंधन का कैसा लगा ब्लॉग।